तो कैसे हैं आप लोग? मेरे भाई, आपके मन में भी एक ऐसा ख्याल आया होगा कि क्या आपके पास भी एक आईफोन हो और आप आईफोन को यूज कर सकें। तो मेरे भाई, अगर आपके पास भी आईफोन नहीं है बिल्कुल मेरी तरह, और आप भी चाहते हो कि आईफोन जैसा लुक लेना, आईफोन की मजे लेना, तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में बने रहना। मैं आप लोग को एक ऐसी धांसू ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि उस ट्रिक की मदद से आप अपने व्हाट्सअप को, मतलब आप व्हाट्सअप में जो चैट करते हो बिल्कुल उसको आईफोन की तरह दिखा सकते हो। अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट भी भेजोगे ना, तो वो बंदा ये नहीं बोलेगा कि भाई तूने आईफोन से नहीं भेजा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, चलिए वीडियो बस शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन लेना है, आपका फ़ोन अपने हाथ में होना चाहिए, और आपको अपने फ़ोन के व्हाट्सअप को ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल जो लुक है यहाँ पे आप देखो, देख सकते हो यहाँ पे जो बॉटम का लुक है यहाँ पे आईफोन की तरह है, इधर स्टेटस का है, और यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे कॉल। ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हो, मैं आपको फेक वीडियो नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अर्जुन कुमार जैसे नाम शो कर रहा है, बिल्कुल मतलब आईफोन जैसा है। और आप इस व्हाट्सएप को जब यूज़ करोगे ना, तो सारे व्हाट्सएप भूल जाओगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको आईफोन की सेटिंग करना है अपने एंड्रॉयड वाले व्हाट्सएप में। गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ओपन करना है व्हाट्सएप को, पहले आपको चेक करना है। ठीक है, अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट है तो अपडेट सही है, नहीं है तो अपडेट कर लेना है। आपको उसमें इस ट्यूटोरियल को ध्यान से अप्लाई करना है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सेटिंग जो यहाँ पे 3 डॉट लाइन है उसको क्लिक करना है। अगर आपका ऐसा इंटरफेस आ रहा है तब तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके उस व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्योंकि वो एक अपडेट वर्जन व्हाट्सएप है। उसको आपको डाउनलोड करने के बाद आपको पुराना वाला व्हाट्सएप डिलीट कर देना है और इसको इंस्टॉल करना है। ये वाले व्हाट्सएप को आपको ओपन करना है, इसमें नंबर डालना है, आपको व्हाट्सएप बना लेना है। व्हाट्सएप बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। अब आप कहोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा करके इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ऐसे इंटरफेस में आपको यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना है फॉर MDS में, और यहाँ पे अगर आपका ऐसे इसको कुछ फॉलो वाला नहीं करना, ठीक है, आपको इसको ऐसे ओपन कर लेना और यहाँ पे होम स्क्रीन में आना है। होम स्क्रीन में आओगे आप तो ऐसे इस प्रकार का कुछ आपको मिलेगा देखने को इंटरफेस, और इस इंटरफेस में यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना है। हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का फंक्शन है। तो यहाँ पे नेविगेशन UI स्टाइल है ना, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बॉटम बार क्लिक कर देना है। ठीक है, बॉटम बार क्लिक करोगे आपका नीचे तरफ शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बॉटम बार स्टाइल, यहाँ पे बबल है, तो यहाँ पे इसको आपको iOS करना है। ठीक है, ध्यान देना आपको यहाँ पे जो ये वाला सिस्टम है इसको iOS, आपको पता नहीं ये iOS होता हमारा आईफोन के लिए, इसको कर देना है सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देख सकते हो, आप यहाँ पे सेट माई नेम इसको ओपन करना, ताकि आपका नेम ऊपर में सेव होता रहे। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार बहुत सारे इसमें सेटिंग्स है यार, बहुत सेटिंग्स, आप इसको यूज़ करो फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, कि अगर जैसे कि जो हम चैटिंग करते हैं, यहाँ पे एक मिनट, मैं आपको अभी मैंने हटा कर रखा मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आप देखो एक मिनट से, यहाँ पे ये जो टिक दिख रहा है ना, ये आईफोन जैसा टिक नहीं है। तो मेरे भाई, इसको टिक आईफोन जैसा करने के लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको जाना है फॉर्ड मोड्स, और यहाँ पे कन्वर्सेशन स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे आपको आना है बबल्स एंड ट्रिक में, ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रिक स्टाइल को क्लिक करना है, और यहाँ नीचे आपको आना है, यहाँ पे आप जो भी आईफोन का कर सकते हो, ये भी एक आईफोन का है, ऊपर भी एक आईफोन का था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये iOS, इसको कर देना है। अब बैक कर लो आप, बैक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आप कोई भी, ये देखो आप बिल्कुल यहाँ पे आईफोन जैसा है ना। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आप इस व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हो और आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ सेटिंग्स की, तो आप कमेंट वीडियो में बताओ मुझे, मैं आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।